इस चैनल के माध्यम से करेंगे और मेरे अंदर जितनी एनर्जी है, जितनी भी पावर है, मैं आप तक पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूंगा, ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगा। और आज के सेशन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ कंट्रोल की पावर से, सेल्फ कंट्रोल की ताकत की मदद से कैसे हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, या फिर हम अच्छी हैबिट्स को बना सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ कंट्रोल को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि हमें अच्छी आदतें क्यों डेवलप कर रही है, गुड हैबिट्स क्यों डेवलप करना चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जिन कामों को कर रहे हैं उन कामों को करने से यदि हमें उतने तेजी के साथ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या हम उतने तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं, या फिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हमें अपनी वो जो डेली वर्क हम करते हैं, वो काम करते हैं बार बार, उन काम को चेंज करने की जरूरत है। उसके लिए हमें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, यानी कि कुछ ऐसी हैबिट्स को हमें एक्वायर करना है, ऐसी हैबिट्स डालनी है कि जिन कामों को हम बार बार करें उससे हम अपने लक्ष्य तक इजीली पहुंच जाएं, अपने रिजल्ट्स तक पहुंच जाएं, जिस गोल को, जिस टारगेट को हमने बनाया है, जो कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर लें। इसके लिए हमें अच्छी हैबिट्स को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन कामों को हम रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, उन कामों को करने की हमें आदत हो जाती है और हम नोइंगली या अननोइंगली उनको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में भेज देते हैं और वो हमारी हैबिट बन जाती है। ज्यादातर हमारी हैबिट्स या तो गलत डायरेक्शन में है, या ज्यादातर हमारी हैबिट्स वो हैबिट्स है जिनको हम नहीं करना चाहते फिर भी कर रहे हैं, यानी कि बैड हैबिट्स। आप बनना आईएएस ऑफिसर चाहते हैं लेकिन आपकी हैबिट्स है कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बैड हैबिट्स। आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं लेकिन हेल्थ को अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, आपका डाइट प्लान सही नहीं है, बैड हैबिट्स। तो गुड हैबिट्स कैसे डेवलप होगी, हम क्या करें? देखिए, सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अच्छी आदतों को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अच्छी आदतों को क्यों डेवलप करें। आइए थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। देखिए, विश करना और गोल सेट करना, दोनों में एक थिन लाइन का फर्क होता है, छोटी सी लाइन का फर्क होता है। क्या फर्क होता है? विश करना और गोल सेट करना, यानी कि प्लानिंग करना, दोनों में एक थिन लाइन का फर्क होता है। अगर गोल सेट किया और उसके अकॉर्डिंग जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, प्लानिंग करी और काम करना चाहिए था नहीं किया, हर दिन उठ करके वो काम नहीं किया, वो हमारी विश बन जाती है, वो हमारी चाहत बन जाती है। और मैं आपको बताऊं, लाखों में किसी एक व्यक्ति की वो चाहत पूरी होने की पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि अगर आप अपने गोल पर काम नहीं करोगे, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं करोगे, खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाओगे, तो वो आपकी चाहत बन जाएगी। और चाहतें 1,00,000 में किसी एक ही व्यक्ति की पूरी होती है। मेरी चाहत है कि मैं कटरीना कैफ को डेट करूं, ये मेरी चाहत है, हो सकता है पूरी हो या ना हो, लाखों में किसी एक किस्मत वाले की ये जो चाहत है पूरी होती है। लेकिन अगर ये मेरा गोल बन जाए, ये मेरा एक प्रॉपर एक प्लानिंग हो जाए, तो डेफिनेटली मैं उसको अचीव कर सकता हूं। आपको पता है, अमेरिका में जो ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं, वो हर साल सबसे ज्यादा अपने ज्यादा से ज्यादा पैसा लॉटरी की टिकट परचेस करने में करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हमारी किस्मत साथ दे जाए, शायद हम कुछ ऐसा कर जाए कि हमारी लॉटरी लग जाए, क्योंकि खुद पर से विश्वास उठ गया है कि वो खुद कुछ करके अमीर बन सकते हैं। और उन्हें लगता है कि अगर लॉटरी नहीं लगी तो हम जिंदगी भर गरीबी में मर जाएंगे। तो जो चाहत वाले केसेस हैं, ज्यादातर जो लोग फेल होते हैं वो चाहत वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। वो उनके ड्रीम्स गोल्स तो होते हैं लेकिन वो विश बन जाती है, काश कि मैं ये कर पाता, काश मैं कि सुबह उठ पाता, काश मैं मॉर्निंग वॉक कर पाता, काश मैं अपनी फिजिक को अच्छा कर पाता, काश। वो एक विश बन जाती है, एक चाहत बन जाती है। और चाहतें लाखों में किसी एक की पूरी होती है। फिर आप कहेंगे कि यार, मैंने स्ट्रगल तो किया, मैंने मेहनत तो करी, मैंने गोल तो बनाए, सपने पूरे नहीं होते, ड्रीम्स पूरे नहीं होते, सब कुछ किया, प्लेटफॉर्म सही नहीं था, लेकिन वो विश बन के रह जाता है। और फिर हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, यार सपने मत देखो यार, यार प्रैक्टिकल रहो यार, यार बड़ी बातें मत करो यार, कहते कि नहीं। तो विश मत करिए, चाहते पूरी नहीं होती है, गोल सेट करना है।
अब बात यह आती है कि अगर गोल सेट करना है, यानी कि गोल के लिए रेगुलर काम करना है, तो हमें अपने हैबिट्स पर काम करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली एट दी एंड। बिकॉज आप मेरी बातों को चाहे जितना सुन लें, जितना मर्जी सुन लें, जितना लिख लें, लेकिन जब कल आप सुबह उठेंगे आप वही काम करेंगे जो आपके यहां पर मेंटली सेट है, डेली रूटीन में सेट है। वीरेंद्र मिश्रा आपको चाहे कितना भी बता दें, लेकिन आप करेंगे वही जो आपकी डेली रूटीन यहां पर माइंड सेट है, वैसे ही काम करेंगे, क्योंकि आपकी हैबिट बिल्ड है। अब अपनी हैबिट को अच्छा करने के लिए क्या करें? देखिए, हम सब जानते हैं कि सुबह उठना बहुत जरूरी है। हमने कई सारी ट्रेनिंग्स भी अटेंड करी। मॉर्निंग में उठ करके हमें मेडिटेशन करना चाहिए, आपने मेरे वीडियोस देखे। मॉर्निंग में उठ करके रीडिंग करनी चाहिए, आपने मेरे वीडियोस देखे, या फिर आपने कहीं से सुना। आपने सुना कि एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपने सुना कि अच्छा पॉजिटिव थिंकर बनना चाहिए जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपने सुना कि आपको अच्छा सोचना चाहिए जिससे आप हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग करते हैं, कितने लोग करते हैं? How many people are doing these good things? Reading habits, meditation habits, morning wake up habits. How many people are performing every day? Minimum 4-5% लोग ही जो है वो कर रहे होंगे जिनके dreams, goals clear. अब बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते? आपको reason पता है? Reason है हमारे self control. One of the reason is self control का ना होना. अब ये self control क्या है? कैसे समझे? What is self-control? जिसके बारे में आज का ये वीडियो, जिसके बारे में आज ये टॉपिक है। देखिए, अगर हमें हैबिट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम हैबिट्स को फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपने सेल्फ कंट्रोल को ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहां फंस रहे हैं और प्रॉब्लम कहां है। सेल्फ कंट्रोल में प्रॉब्लम है। अभी सेल्फ कंट्रोल क्या है उसको समझने के लिए हमें इसको चार स्टेप्स में समझना होगा। मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर सेल्फ कंट्रोल समझ गए तो जिस भी हैबिट को आप परफॉर्म करना चाहते हैं उस हैबिट को आप परफॉर्म कर पाएंगे। पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ कंट्रोल इज डाइट एंड सेल्फ कंट्रोल आर कोरिलेटेड। आपकी जो डाइट है और सेल्फ कंट्रोल दोनों कोरिलेटेड हैं। कैसे? लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। एक रिसर्चर थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि जितने भी प्रिजनर थे, जितने भी कैदी हुआ करते थे, वो अगर बेल की अर्जी लगाने के लिए जाते थे कोर्ट में, तो जो जजेस होते थे वो लंच के पहले जितने भी लोगों की अर्जी हुआ करती थी उनके बेल मिलने के चांसेस लगभग 15-10% ही हुआ करते थे लंच के पहले। और लंच के बाद जो हुआ करता था उनका जो चांसेस था वो 60% हो जाते थे। वही प्रिजनर है, यानी कि कैदी लंच के पहले अगर बेल की अर्जी के लिए मुहिम हुआ करती थी, अर्जी दी जाती थी, तो उसमें जजेस 15% चांसेस में ही कहते थे कि ठीक है इनको बेल दे दी जाए, वरना ये कहते थे कि अगली सुनवाई तक टाल दिया जाता था। लेकिन लंच के बाद केस अलग होता था कि 60% लोगों को बेल मिल जाती थी और जज कहते थे ठीक है, क्योंकि लंच के पहले जज के जो माइंड सेट होता था वो पूरी बॉडी जो है एग्जॉस्ट हो जाती थी, और बॉडी एग्जॉस्ट होने की वजह से वो ज्यादा सोच नहीं पाते थे, और जिस भी व्यक्ति को बेल देनी होती थी वो उसको कहते थे कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग स्किल होती है, जो हमारा कंट्रोल होता है, जो हमारा सोचने की क्षमता होती है, वो लिमिटेड है और वो हमारी डाइट से कोरिलेटेड है। अगर आपको अपने सेल्फ कंट्रोल को समझना है तो अपने डाइट प्लान को देखना पड़ेगा। आप किस तरीके की डाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, किस तरीके का खाना आप खाते हैं, आपका डाइट प्लान क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। दूसरे पॉइंट, सेकंड स्टेप है सेल्फ कंट्रोल इज लिमिटेड। देखिए, सेल्फ कंट्रोल या विल पावर दोनों एक ही बात है, ये बहुत लिमिटेड है। सर, आप सोचो कि ये इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, तो गलत सोच रहे हैं आप। सेल्फ कंट्रोल और विल पावर बहुत लिमिटेड है, हमें इसका प्रॉपर यूज करना सीखना पड़ेगा। अगर एक काम के बाद सेल्फ कंट्रोल होगा, एक काम को करने में आपकी विल पावर बहुत अच्छी होगी, दूसरे काम को करने जाएंगे तो उतनी एनर्जी नहीं बचेगी, क्योंकि आपके अंदर जो सोर्स, जो एनर्जी है, जो विल पावर है, वो बहुत लिमिटेड है। अब आपको ये देखना कि कहां कौन सी विल पावर को कैसे यूज करना है। इसीलिए कहा गया है कि नेगेटिव लोगों से बच के रहो। कुछ ऐसे काम को आप मत करो जिनको आप नहीं कर सकते, जिनको आप दूसरों से करवा सकते हो, उन कामों में मत उलझो जहां पर आपको नहीं जाना है। अपनी विल पावर को बचा के रखो, अपनी विल पावर को बचा के रखो। सेल्फ कंट्रोल यानी कि विल पावर इज लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है।
ओके आई एम सो सॉरी, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट बीच में गायब हो गया था। तीसरे पॉइंट पे हम थे, सेल्फ कंट्रोल कैन बी इंप्रूव्ड। कैसे इंप्रूव किया जा सकता है सेल्फ कंट्रोल? देखिए, अगर आपको अपनी डाइट के बारे में पता है आपको कब क्या लेना चाहिए और डाइट के बारे में आप समझते हैं, तो आपको अपनी अच्छी हेल्दी डाइट पर फोकस रखना है अगर आप अपनी विल पावर को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ये इंप्रूव की जा सकती है और इसको बचा करके रखना है। ऐसे कामों में मत खर्च कीजिए जिससे कि आपके डिसीजंस स्लो पड़ते हैं। और आप अपनी डाइट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं वो अपनी डाइट प्रॉपरली लेते हैं, कम काम करते हैं और ज्यादातर वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स में ही रहते हैं और अपनी कोर वैल्यूज पे ही काम करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि आपकी जो स्ट्रेंथ हो उसी को परफॉर्म करो, कुछ एक्स्ट्रा काम मत करो, कुछ एक्स्ट्रा चीजों को लोड मत लो, ज्यादा मत सोचो, कुछ ऐसे काम मत करो जो आपको नहीं करने चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग जो एवरेज होते हैं वो एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, अपनी विल पावर का मिसयूज करते हैं। और आप ध्यान देना, जिसकी डाइट अच्छी नहीं होती है वो बात बात पर झल्लाता है, बात बात पर लड़ने आ जाता है, बात बात पर गुस्सा करता है, या फिर बात बात पर परेशान हो जाता है, या फिर बात बात पर उसे लगता है कि यार मैं कैसे चीजों को हैंडल करूंगा। अपनी डाइट को सही रखिए अगर आप अपनी सेल्फ कंट्रोल पावर को और विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको अपनी डाइट पर काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन योर डाइट। फोर्थ स्टेप है, एफिशिएंट वे टू यूज सेल्फ कंट्रोल इज इन हैबिट्स। अगर आप अपनी सेल्फ कंट्रोल का एफिशिएंट वे यूज करना चाहते हैं, यानी कि सही तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको हैबिट फॉर्म करनी ही पड़ेगी। यू हैव टू फॉर्म द हैबिट। आपको अपनी हैबिट्स पर काम करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अगर अच्छी हैबिट्स डेवलप हो जाती है तो ऑटोमेशन के कारण बहुत कम सेल्फ कंट्रोल में आप उसे कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे कामों के लिए भी आपके पास एनर्जी, विल पावर और सेल्फ कंट्रोल बचेगी। यही फंडा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इसे हैबिट बनाइए, इसे रेगुलर परफॉर्म करिए, इसे हैबिट बनाइए। यार रीडिंग हैबिट्स बनाने में कितना टाइम लगता है मुझे पता है। शुरुआत में हैबिट बिल्डअप करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। दो चार दिन तो हम कर लेते हैं लेकिन बाकी दिन नहीं कर पाते, हमें लगता है काम आ गए बहुत सारे। इसे ऑटोमेशन मोड पे लाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर वो हैबिट बन गई तो आपकी सेल्फ कंट्रोल की पावर वहां पर बहुत ही कम लगेगी या फिर नहीं लगेगी, और आप उसे बार 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 करते रहोगे। आपकी वह एनर्जी कहीं और आप लगा सकते हो। तो आपको अपनी हैबिट तो बिल्ड करना पड़ेगा। अब मेन पॉइंट है, बोनस बता रहा हूं मैं आपको, अगर आप अपनी हैबिट बिल्ड करने में असमर्थ हैं, आप नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं, तो मैंने एक कोर्स बनाया है, वीरेंद्रमिश्रा.com पर जाइए, www.वीरेंद्रमिश्रा.com पर जाइए, वहां पर चेक करिए कि हैबिट फॉर्मेशन का 5 डेज का एक बेहतरीन कोर्स बनाया है। अपने लिए थोड़ा बहुत तो खर्च कर सकते हैं। आप वहां पर जाइए, उस कोर्स को परचेज करिए और 5 दिन का वो कोर्स है, आपको घर बैठे करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप उस कोर्स को समझिए कि आप कितना कुछ सीख सकते हैं और आपको वो हैबिट फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेगा। तो आज हमने सीखा कि सेल्फ कंट्रोल की मदद से हम अपनी हैबिट को बिल्डअप कर सकते हैं, और अगर हमें गोल बनाने हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो चाहत बन के रह जाएगी। मैंने 4 स्टेप्स बताए, इन 4 स्टेप्स में आप अपनी सेल्फ कंट्रोल को समझ सकते हैं। पहला स्टेप मैंने आपसे शेयर किया था, डाइट एंड सेल्फ कंट्रोल आर कोरिलेटेड, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, अलग नहीं है। जैसी डाइट रहेगी वैसा आपका सेल्फ कंट्रोल और विल पावर रहेगी। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल इज लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है, इसके आप व्यर्थ कामों में खर्च मत कीजिए। तीसरा, सेल्फ कंट्रोल कैन बी इंप्रूव्ड, इसे बढ़ाया जा सकता है, विल पावर को बढ़ाया जा सकता है, और वो भी अच्छी डाइट रूटीन प्लान से, एक्सरसाइज से, अच्छी रीडिंग हैबिट से। फोर्थ मैंने बताया, एफिशिएंट वे टू यूज योर सेल्फ कंट्रोल इज इन हैबिट्स। आपको हैबिट फॉर्म करना पड़ेगा अगर आप एफिशिएंट वे में प्रॉपरली अपनी हैबिट को यूज करना जानते हैं या फिर चाहते हैं। तो गाइस, आज हमने बात किया कि सेल्फ कंट्रोल की मदद से आप अपनी हैबिट को कैसे बिल्ड कर सकते हो, अच्छी हैबिट को बना सकते हो। आज हमारा 5वां लाइव सेशन था। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप हर दिन मेरे साथ लाइव आते हैं। आप अपना YouTube छोड़ करके, आप अपनी कॉमेडी वीडियो छोड़ करके, अपने दोस्तों को छोड़ करके मुझे सुनते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आता है। मैं लेकिन एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिंक, इस चैनल के लिंक जरूर लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि हर दिन वीरेंद्र सर आकर के 8 बजे कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कि आपके अंदर चेंज आता है। अपनी टीम को बताइए, अगर वो हर दिन मेरी बातों को सुनते बसे हैं तो देखना उनके अंदर 90 डेज के अंदर बहुत सारा चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, और हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं।